के बेटमा नगर के एक छोटे से ग्राम पीर पिपलिया में पहले राष्ट्रीय शक्ति स्थल केंद्र का लोकार्पण किया गया। पूर्व थल सेना अध्यक्ष गुरमीत सिंह के हाथों इस शक्ति स्थल का लोकार्पण हुआ। अमर शहीद मोहनलाल सुनेर की शहादत को चिर स्थायी बनाने के लिए शहीद के गृह ग्राम में यह आयोजन किया गया, जहां पिपलिया में उनकी प्रतिमा व स्मारक का अनावरण पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल गुरमीत सिंह साहब एवं शहीद समरसता मिशन के संस्थापक मोहन नारायण ने किया। शहीद का गृहग्राम उस वक्त देश भर की मीडिया की सुर्खियों में रहा, जब देशभक्त युवाओं की टोलियों ने अपने हाथों की हथेलियों पर शहीद के वीरांगना को झोपड़ी से सर्व सुविधा युक्त मकान में गृह प्रवेश करवाया था। और आज भी उसी तरह वीरांगना को युवाओं की टोली ने अपनी हथेलियों पर चलाकर शहीद सुनेर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करवाया। बीते 27 सालों से उत्पीड़न झेल रहे शहीद के परिवार को शहीद समरसता मिशन ने 31 जुलाई 2018 को संकल्प लेकर 11 लाख रुपए की राशि एकत्रित करने का लक्ष्य रखा। 26 अगस्त को भूमि पूजन और 15 अगस्त 2019 को शहीद के परिवार का मकान में प्रवेश करवा दिया। आपको बताना चाहेंगे कि यह प्रदेश का पहला प्रयोग है जिसमें कहा गया है कि यह संकल्प है कि देश के सभी 36,000 शहीदों के स्मारक राष्ट्र शक्ति स्थल के रूप में स्थापित किए जाएं। अगर सरकारें ना करें तो देशभक्त नागरिकों के सहयोग से शहीद समरसता मिशन यह काम करेगा। वर्तमान में देश के 4 राज्यों में 12 से अधिक स्थानों पर शहीद समरसता मिशन द्वारा राष्ट्र शक्ति स्थल निर्मित किए जा रहे हैं। मिशन 2007 सही शहीदों के गौरव की पुनर्स्थापना, उनके परिजनों के अधिकारों हेतु विभिन्न रचनात्मक एवं आंदोलन गतिविधियां चला रहा है। राष्ट्र शक्ति स्थल का काम आगामी 3 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। जो सन 2007 से ही शहीदों के गौरव की पुनर्स्थापना और शहीदों के परिजनों की अधिकारों की रक्षा के लिए उनके साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध विभिन्न रचनात्मक और आंदोलनात्मक गतिविधियां सारे देश में चलाता आ रहा है। आज उसका एक प्रमुख पड़ाव राष्ट्र शक्ति स्थल शहीद समरसता मिशन के माध्यम से पूरा हुआ। मिशन का लक्ष्य है देश पर मर मिटने वाले 36,000 बलिदानी, उन अमर बलिदानों की स्मृति को चिरस्थायी करने के लिए राष्ट्र शक्ति स्थल का निर्माण सरकार को करना चाहिए। जब तक सरकार ये बात नहीं सुनती तब तक हम समाज के सहयोग से राष्ट्र शक्ति स्थलों का निर्माण करते रहेंगे। साथ ही भारत की संसद और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं से हम लगातार निवेदन कर रहे हैं पिछले 12 वर्षों से कि देश पर मर मिटने वाले अमर बलिदानियों की परिजनों की समस्याओं का निराकरण इस बात में निहित है कि उनको 1 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करें। हमारा संसद से ये निवेदन लगातार चलता रहेगा, आजीवन चलता रहेगा। मिशन का अंतिम लक्ष्य शहीदों के परिजनों की समस्त समस्याओं का निराकरण करवाना, उनके लिए 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करवाना है, जिसका आज एक महत्वपूर्ण पड़ाव देश के पहले राष्ट्र शक्ति स्थल के रूप में आज हमने पूरा किया है। तो मिशन के माध्यम से हमने 3 संकल्प किए थे, शहीद मोहनलाल सुनेर जी की एक प्रतिमा और उनके स्मारक का निर्माण, उनके भवन का निर्माण क्योंकि वो एक झोपड़ी नुमा घर में रहा करते थे। पिछली रक्षाबंधन 15 अगस्त को हमने पहला वादा पूरा किया, आज हमारा दूसरा वादा उनकी वीरांगना को सम्मान दिलाने के लिए उनके राष्ट्र शक्ति स्थल उनकी प्रतिमा का लोकार्पण राष्ट्रार्पण कार्यक्रम किया गया। तीसरा जो हमारा संकल्प है वो अभी अधूरा है, बेटमा हायर सेकेंडरी स्कूल जिसमें शहीद मोहनलाल सुनेर जी कभी उसके स्टूडेंट रहे थे, वहाँ के विद्यार्थियों को प्रेरणा मिले इसलिए उस विद्यालय का नाम उनके नाम से किया जाए, ये काम पर हम अभी लगे हुए हैं। बहुत गर्व और खुशी की बात है कि आज 22 जनवरी इंदौर दीपालपुर इलाका के अंदर में पीर पिपलिया में हमारे शहीद मोहनलाल सुनेर की प्रतिमा को चिरस्थायी किया है। इन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दिसंबर 1992 में दी, वो BSF में थे और यहाँ के शहीद समरसता मिशन के जो योद्धा हैं, जो श्री मोहन नारायण और उनके साथी हैं, उन्होंने ये प्रण लिया था और ये रिजॉल्व लिया था कि वो वीरांगना को एक घर बना के देंगे, वो शहीद की प्रतिमा बनाएंगे और यहाँ पर जो लोकल स्कूल है गवर्नमेंट का उसका नाम शहीद के नाम पर रखेंगे। आज उन्होंने 2 चिन्ह को पूरा कर दिया है। बहुत कम होते हैं हमारे समाज में
जो कहते हैं वो करते हैं, और वो भी एक वीर के लिए। ये वीरांगना की जो मदद की है इस ग्रुप ने, बहुत खुशी होती है। और सबसे नाजुक बात ये है कि जब रक्षाबंधन का दिन था 2018 को, उन्होंने वीरांगना के लिए, जो पहले एक झोपड़ी में रहती थी, उसको एक घर बना के दिया 11 लाख रुपए का, बहुत अच्छा घर। और जब रक्षाबंधन का दिन था, अपनी हथेलियों पर उनको चलाकर गृह प्रवेश किया। कहाँ होता है ये सब? ये बहुत ज़रूरी है हर एक भारतीय को इसे सबक लेने का, इस शहीद समरसता मिशन से सबक लेने का, कि हर इंसान, हर समाज, हर टोली अपने अपने जगह के अंदर में ये बनाना चाहिए, इस प्रकार का ग्रुप बनाना चाहिए कि जो शहीदों की देखभाल कर सके। ज़रा सोचिए, जो मेरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, मैं सेना में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था और 40 साल नौकरी किया है, और मैं बेटमा दीपालपुर पीर पिपली। दीपालपुर से दीपक सेन की रिपोर्ट।